بسم الله الرحمن الرحيم. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we will discuss forgetting and theories of forgetting. So first of all, I would like to describe the forgetting. Forgetting or retention loss, yani forgetting ka matlab hota hai ki aap jo information aap already yaad kar chuke hain, store kar chuke hain apne brain mein, usko dobara recall karne mein, रिट्रीव करने में जब मुश्किल पेश आती है या आप नहीं कर पाते उसको, तो दैट इज कॉल्ड फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो दिस इज फॉरगेटिंग रिटेंशन लॉस बेसिकली रेफर्स टू अपेरेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनकोडेड एंड स्टोर्ड इन एन इंडिविजुअल्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। इट इज अ स्पॉन्टेनियस और ग्रेजुअल प्रोसेस इन विच ओल्ड मेमोरीज आर अनएबल टू बी रिकॉल्ड फ्रॉम मेमोरी स्टोरेज। बेसिकली सबसे पहला तो आपने मेमोरी प्रोसेसिंग जो है वो आपने पढ़ी होगी कि सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाती है, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है तो बेसिकली उस वक्त हम चीज को याद कर चुके होते हैं, वो स्टोर हो चुकी होती है। तो बाज दफा ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब इंफॉर्मेशन जाती है तो उसके बाद जब हम स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद जब कभी हमें दोबारा जरूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन की, तो हम उसको दोबारा रिकॉल नहीं कर सकते, यानी कि आप वापस दोबारा बाहर नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पर जब हम इम्तिहान में बैठते हैं तो हमने जो सारे क्वेश्चन है वो याद किए हुए होते हैं, हमने अपनी जो प्रेपरेशन की हुई होती है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे वो याद किया हुआ जो आंसर होता है वो इम्तिहान में बैठ के हमें दिमाग में नहीं हमारे आ रहा होता, हमें हमारे माइंड में वो आ नहीं रहा होता, तो मतलब लग रहा होता है कि जैसे वो हम भूल गए उस चीज को, हम कोशिश भी करते हैं फिर भी वो नहीं आ रहा, तो दैट इज बेसिकली फॉरगेटिंग। अब ये नहीं होता कि वो आपने चीज याद नहीं की होती, बल्कि वो आपने याद की हुई होती है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में मौजूद होती है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस अनफॉर्चुनेटली वो आप उसको रिट्रीव नहीं कर पाते, तो दिस इज कॉल्ड फॉरगेटिंग। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की, कि मुख्तलिफ लोगों ने जो थ्योरीज कौन कौन सी पेश की है कि क्या क्या वजह हो सकती है फॉरगेटिंग की। सबसे पहले जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड डीके थ्योरी। डीके थ्योरी का मतलब है यूज और लूज। इट मींस कि वो इंफॉर्मेशन जो आपने याद की हुई है, मसलन आपने कोई भी चीज को सीखा हुआ है, ठीक मोबाइल है, ये मोबाइल है, आपने मोबाइल को ठीक करना सीखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में मौजूद है, मेमोरी में मौजूद है कि इसको किस तरह, अगर कौन सा इशू है तो उसको किस तरह ठीक करना है, तो अगर तो आप इसको इंफॉर्मेशन को जो आपने मेमोराइज की हुई है अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपका जो है वो आप इजीली उसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं, आप इसको यूज में लेके आते रहेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि आप उसको दोबारा रिकॉल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने मोबाइल को रिपेयर करना सीखा, उसके बाद आपने कभी मोबाइल रिपेयर ही नहीं किया, आपने यूज ही नहीं की वो इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा कि आप उस इंफॉर्मेशन को आप फॉरगेट कर देंगे, आप उसको भूल जाएंगे क्योंकि आपने उसको यूज नहीं किया। तो दिस इज डीके थ्योरी। डीके थ्योरी क्या है? इंफॉर्मेशन जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो वेल एंड गुड, वो आपको याद रहेगी, आप उसको इजीली किसी भी वक्त रिट्रीव कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, अदरवाइज ऑन द अदर हैंड आप उस इंफॉर्मेशन को भूल जाएंगे, डिक्लाइन आ जाएगा उस इंफॉर्मेशन में, आपके जो है वो आपकी मेमोरी से वो इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड डीके थ्योरी। अब चलते हैं अगली थ्योरी की तरफ। तो अगली थ्योरी है जनाब इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या होता है? एनी इंटरफेरेंस कैन कॉज फॉरगेटिंग। आपने कोई भी चीज मेमोराइज की हुई है, कोई भी चीज याद की हुई है, अब उस याद, वो जो चीज एक मेमोरी आपके दिमाग में मौजूद है, अगर कोई चीज उसको इंटरफेयर करेगी उसमें, तब भी फॉरगेटिंग का जो अमल है वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, आपने बीएस में साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, बीएससी में, उसके बाद आपने फिलॉसफी पढ़ी है। अब साइकोलॉजी का जो कंटेंट है वो आपको याद है, लेकिन जब उसके बाद आपने फिलॉसफी पढ़ी है तो इसका मतलब यह है कि अब आपका जो फिलॉसफिकल नॉलेज था उसने इंटरफेरेंस की है आपके जो साइकोलॉजी का नॉलेज था उसमें। अब क्या होगा, आप उस इंटरफेरेंस की वजह से साइकोलॉजी के जो कॉन्टेंट है उनको रिकॉल करने में आपको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक और चीज उस तरह की पढ़ ली है तो उसने इंटरफेरेंस किया है आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज था, एग्जिस्टिंग मेमोरीज थी रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल कॉन्टेंट्स, सो दैट कॉन्टेंट विल बी लॉस्ट बिकॉज
later content which you have learned, like philosophical knowledge. Philosophical knowledge basically interfere in pre-existing psychological knowledge. जिसकी वजह से क्या होगा कि forgetting का जो process है वो appear हो जाएगा. अगली theory है जनाब trace change. If you will change the path you used when memorize information, you will forget. अच्छा जी, जब भी आप कोई information को, किसी भी चीज को याद करते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर, brain में जो है वो रास्ते बन जाते हैं, स्कीमास बन जाते हैं, ट्रेसेस बन जाते हैं, क्यूज बन जाते हैं. तो जब आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करेंगे, लेकिन ट्रेस चेंज करके रिकॉल करेंगे, तो आप उस चीज को फॉरगेट कर देंगे. यानी वो आप उसको इजीली रिकॉल नहीं कर सकेंगे, जिस तरह आपने उसको जो ट्रेसेस आपने यूज करते हुए, जो माइंड में आपके ट्रेसेस बन गए हैं ब्रेन में, अगर वो यूज नहीं होंगे रिकॉलिंग के टाइम पे या रिट्रीवल के टाइम पे, तो आप उस चीज को फॉरगेट या लॉस कर देंगे. अच्छा जी, आगे आ जाते हैं रिट्रीवल फेलियर थ्योरी. रिट्रीवल फेलियर थ्योरी क्या होती है? यू आर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फॉर अ टाइम बीइंग, लेटर ऑन यू विल रिट्रीव. यू आर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, यू आर नॉट एबल टू रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन. यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे लिखना था कि आप जो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पाते सम टाइम, लेकिन लेटर ऑन फिर आप उसको रिट्रीव कर लेते हैं. मसलन जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले एक मिसाल दी थी कि जिस तरह आप पेपर में बैठते हैं तो आपने एक सवाल याद किया हुआ होता है, लेकिन आप उस सवाल को रिकॉल नहीं कर पाते, वो अपने दिमाग में लेके नहीं आ पाते कुछ देर बाद. लेकिन कुछ देर बाद वो जो क्वेश्चन होता है, जब आप रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल फ्री फील करते हैं अपने आप को, शुरू में तो आपको एंजाइटी होती है तो आपको क्वेश्चन भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आप देखते हैं कि वो जो क्वेश्चन था जो आपने याद किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरी ने उसको रिट्रीव करना शुरू कर दिया, वो आप उस आपको वो याद आ जाता है. तो दिस इज कॉल्ड रिट्रीवल फेलियर थ्योरी, के शुरू में आप किसी चीज को रिट्रीव करने में फेलियर हो जाते हैं, आप नाकाम हो जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन आप उस चीज को रिट्रीव कर लेते हैं. आगे आ जाता है मोटिवेशन फॉर गेटिंग थ्योरी. अब मोटिवेशन फॉर गेटिंग थ्योरी बेसिकली क्या हमें एक बताती है कि वो चीज जो आप याद करते हैं लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, आपके इंटरेस्ट की चीज नहीं होती वो, आप उसमें मोटिवेट नहीं होते, वो जबरदस्ती या आपसे याद करवाई जा रही होती है, या आपने बादल ना खास्ता उसको याद किया हुआ होता है, या वो काम किया हुआ होता है, तो उसका क्या होता है कि जब लेटर ऑन कभी आपको वो रिकॉल करना पड़े तो वो आप चीज भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि ना उसमें आपकी मोटिवेशन होती है, ना उसमें आपका इंटरेस्ट होता है. तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट जो है बेसिकली ये भी बहुत ही जो है वो की फैक्टर्स हैं किसी भी चीज को अच्छे तरीके से याद करने में, और उसको दोबारा वैसे ही अच्छे तरीके से और परफेक्टली उसको रिकॉल करने में. अच्छा जी, आगे आ जाता है साइकोलॉजिकल थ्योरी. अनप्लेजेंट इंफॉर्मेशन रिप्रेस्ड इन अनकॉन्शियस माइंड डिफिकल्ट टू रिट्रीव. आपने फ्रॉइड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं तो आप पढ़ लेंगे, कि फ्रॉइड का ये कहना था कि वो चीज जो आपके लिए अनप्लेजेंट होती है, वो आपके लिए ठीक नहीं होती, आपका जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो उससे क्लैश कर रही होती है, आप उसको अपने अनकॉन्शियस में धकेल देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं. आपने देखा होगा कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन का भी, तो आप वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हुए उस इंफॉर्मेशन को जो आपके लिए अनप्लेजेंट होती है तो उसको आप रिप्रेस कर देते हैं अनकॉन्शियस में, जो कि बाद में फिर वो रिट्रीव करते हुए मुश्किल पेश आती है. आप साइकोलॉजिकली अनकॉन्शियसली आप उसको रिट्रीव नहीं करना चाह रहे होते, तो देन यू फील डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग और रिट्रीवल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, बिकॉज you have already repressed that particular unpleasant information in your unconscious part of the mind. So, ये तो थी theories, जिनमें decay theory थी, interference theory थी, trace change theory थी, retrieval failure theory थी, motivational forgetting theory थी, और psychological जो है वो psychoanalytical, basically इसको psychological नहीं, psychoanalytical theory कहते हैं. तो psychoanalytical theory थी ये theories जो है वो forgetting कि जो कॉजेज है वो उनको शो करती है. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फी अमान अल्लाह.